ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें सभी। तो फाइव अंडर फाइव, फाइव अंडर फाइव और फाइव, फटाफट सॉल्व करिए। देखो ये क्या है, इस क्वेश्चन में कोई इन्फानाइट नहीं दिया है कि मतलब ये क्वेश्चन में इन्फानाइट है। हमारे सामने 5 बार दिए हुए वर्ड, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ये यूट्यूब पे डलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, आप देखना। तो इसमें 5 इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए आप। पहले हम क्या करेंगे कि इन सबको हम x मान लेते हैं। क्या मान ले हम? x मान ले। ये सारी वैल्यू क्या है बेटा? x है, ठीक है। x मतलब ये सारी वैल्यू। अब मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूं, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो एक्स स्क्वायर जब इस पे वर्ग होगा तो ये बाहर आ जाएगा निकल के। भाई स्क्वायर रूट तो बाहर हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन गया 5, एक निकल गया बाहर, ये हट गया, इसके ऊपर का वर्ग मूल हट गया। अब बचे तुम्हारे पे 4, चारों को लिख लो, 1 2 3 4, ये तो बचे तुम्हारे पे। फिर दोबारा से वर्ग करूंगा, एक बार और वर्ग करूंगा मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर लेता हूं जो आपको दिखाई दे। हाँ, फिर वर्ग करूंगा, तो ये वर्ग अगर मैं करूंगा इस पे तो क्या हो जाएगा? ये x पे 4, हाँ या ना? क्या हो जाएगा? ये x पे 4, ये क्या हो जाएगा? 5 पे 2, और ये निकल, ये अब इसका वर्ग कट जाएगा। जब पूरे पे वर्ग होगा तो 5 पे 2 हो जाएगा, यानी इसका वर्ग कट जाएगा, ये हो गया 5। अब बचे 3, 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार वर्क करूंगा, इसमें कंटिन्यू करना है क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट होते तो अलग मेथड लगता, ये इनफाइनाइट नहीं है। आपके सामने एक और वर्क करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स पे 4 पे ऐसे लगेगा वर्ग, ये हो जाएगा 8, ये हो गया एक्स पे 8, ये क्या हो गया? 5 पे 4, ये हो गया 5 पे 2, ये एक और खुल गया, ये हट गया। भाई पूरे पे करता, ये हट गया। अब कितने बचे? 2 बचे। कितने बचे मेरे पे? 2 बचे, ठीक है। एक बार और वर्ग करूंगा मैं इसका, जब तक ये खत्म नहीं होंगे हम करते ही रहेंगे। अब ये क्या होगा? एक्स पे 16, भाई 8 दूनी 16, ये क्या हो जाएगा? 8, ये 4 है, ये क्या हो जाएगा? 8, ये 2 है, क्या हो जाएगा? 4, ये 1 है, ये क्या हो जाएगा? 2। अब क्या बचा तुम्हारे पे? 1 5 बाहर निकल के आ गया, अब बचा सिर्फ 1 5, ठीक है। तो फिर से एक बार वर्ग, अब तो आखिरी है ना, फिर एक बार वर्ग करूंगा और मैं, तो क्या करूंगा मैं? ये हो गया 32, ठीक है भाई, 16 दूनी 32, 16 पे वर्ग जाएगा तो ये हो गया 32, ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, मतलब बाहर आ गया, कुछ है ही नहीं तो 1 बचा। अब देखो हम जानते हैं करनी में पावर बेस सेम हो, आधार सेम हो तो पावर मतलब जो घात है वो जुड़ जाती है, जुड़ेंगी। तो मैं इनको मिटा दूं ऊपर का, क्योंकि जगह नहीं है, फिर आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर का हटा देता हूं जरा, है ना। आपने नोट तो कर ही लिया होगा, नोट नहीं किया होगा तो रिप्ले कर लो, फिर पता लग जाएगा। तो देखो यहां पे मेरे क्या है, एक्स पे 32, उधर कितना है? 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2, 28 और 2 कितना होगा? 28 और 2 30 और 1 31, यानी 5 पे मेरी घात कितनी है? 31।
मुझे आपको x की वैल्यू लाके देनी है, x की वैल्यू लाके देनी है, ठीक है ना। तो कैसे लाओगे? देखो हमें इसको 32 को काटना होगा, तो 32 कैसे काटे? अगर मैं दोनों तरफ 1/32, 1/32 लिख सकता हूं, लिख सकता, क्यों लिख सकता हूं, ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं इधर 32 लूं तो उधर ही 32 लेना होगा, ले सकता हूं। तो देखो 32 से 32 कट गया और पावर, और यहां पे क्या बचा? 31/32। तो हमारा उत्तर हो गया 5, 31/32, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया अभी वर्तमान में। एक थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करते, समझ में आ गया होगा, वर्ग वर्ग बार बार करते चले जाओ, जब खत्म हो जाए गिन लो, दोनों तरफ अपोजिट में कर लो। नियम है ये, मैं इधर लूंगा तो वो उधर भी ले सकता हूं, ये नियम है काटने के लिए, डिनोमिनेटर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आता है हमारे पास, अगर मैं लूं क्वेश्चंस तुम्हारे लिए, क्वेश्चन तो मेरा बहुत हाई है, मैं तुम्हें वर्ग 1-2 मिनट के अंदर करवा दूं मतलब, लेकिन कुछ वक्त ये देखो, ये करके बताओ फटाफट। 30, अब यहां प्लस है, वहां प्लस प्लस कुछ नहीं था। 30, 30 इन्फाइनाइट, ये इन्फाइनाइट हो गया, इसका मान बताना है अपन को। तो देखो फिर से वही करो, हमें इस सबको मानना होगा x, ठीक है, क्या मानना होगा हमें? x, x इजिकल टू, ये सारा मान लिया, ठीक है। फिर वर्ग करो दोनों तरफ, वर्ग, ठीक है। तो वर्ग क्या होगा? ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये बाहर निकल आया, 30+ पूरा वही रहेगा, 30 30 रहेगा ही रहेगा। अब देखो बार बार वर्ग नहीं करूंगा इसमें, कितनी बार वर्ग करूंगा, पागल हो जाऊंगा मैं, ये तो इनफाइनाइट है ना। तो देखो हमने क्या माना था, इस अंडर 30+ अंडर रूट को एक्स माना था हमने, तो ये भी वही आ गई, √30। तो अब क्या करूंगा मैं, x²30+, ये पूरे को मैंने x माना था, ये देखो ये माना था ना x, मैं इसको जगह पूरे को x लिख लूंगा, वैल्यू आ गई मेरे पे। अब इधर ले आओ, x²-x-30=0। अब इसको तुम्हें सॉल्व तो करना आता ही होगा, 5, 6 या 30 फैक्टर बनाते नहीं बनाते, तो कैसे कर सकता हूं? ये माइनस का है तो -6 लेना होगा, +5x, देखो 5, 6 या 30, ठीक है ना, 30 तो -30 भी आ रहा है, और 6 में से 5 गया तो 1 भी आ रहा है, ये फैक्टर बनाते हैं, -30=0। यहाँ 6 बार, यहाँ x बाहर आया, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ x बाहर आया तो अंदर क्या बचा? x-6, वहां +5 बाहर आया तो क्या बचा? x-6=0। हमारे पे दो वैल्यू आ गई, x+5=0, x=-5, आया ना। और एक याला पेयर ले लूं मैं अगर, x-6=0, x=2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। हम धनात्मक लेंगे ना भाई, प्लस हो रही है ना, माइनस तो हो नहीं रही, जो मैं माइनस ले लूं तो मैं क्या लूंगा? +6। तो ये हो गया तुम्हारा इसका भी आंसर। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? ओके एक और क्वेश्चन करो, ऐसे ही मिलता जुलता तुम्हारा मतलब, और डाउट क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, एक क्वेश्चन मैं घर पे करने को दूंगा, नेक्स्ट तुम यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखोगे धीरे धीरे। ये क्वेश्चन कर, एक एक क्वेश्चन अभी करो मेरे सामने, फिर देन अपन घर पे करेंगे, दो क्वेश्चन घर के लिए दूंगा। ये क्वेश्चन फटाफट निपटाओ, 8 8 8, 1 2 3, इसका मान, ये इन्फाइनाइट हो गया, ये भी इन्फाइनाइट है, तो क्या करोगे? x पूरे का मान क्या ले लूं? x, दोनों तरफ वर्ग ले लो 1, ये क्या हो जाएगा? 8
आठ आठ, ये तो इनफाइनाइट है, इसलिए क्या ले लूं, एक्स एक्स माना था ना मैंने सबको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, आया ना, इसे धर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, एक्स इधर चला गया, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ खत्म हो गया, आप पे क्या बची वैल्यू, एक्स माइनस 8, और इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 8 प्लस का एक्स क्या हो जाएगा, 8, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें दो क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, घर पे करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके आंसर आपको दूंगा। ठीक है, हाँ तो मैं फास्ट करा रहा हूं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, यदि P सेवन, मैं निकालना तुम्हें बता दिया है कैसे निकालते हैं, सेवन रूट सेवन प्लस इन्फानाइट हो, और क्यू दो क्वेश्चन है, तथा क्यू सेवन माइनस रूट सेवन माइनस रूट सेवन माइनस इन्फानाइट हो तो क्या होगा। तो आपको इसमें पी और Q की वैल्यू बतानी है, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, तो ये आप करिएगा। होप सो मैंने आपको जो समझाया समझ में आया होगा, और आज बस मैं इतना ही कराऊंगा, ये कालका एस से आपको भोपाल से लेक्चर दिए जा रहे हैं। ओके, आप चाहें तो इसके वीडियो भी घर बैठे मंगा सकते हैं, सारे ऐसे ही लेक्चर, मेरा हाथ दिखाई देगा, पूरा बोर्ड दिखाई देगा, और क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए, ये क्या हम YouTube से सैंपल डाल सकते हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप जो वीडियो मंगाएंगे घर पे वो सब कुछ पूरा कंप्लीट रहेगा, है ना, तो मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।